हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इंडियन नेवी में एए और एसएसआर के लिए एग्जामिनेशन डेट आ गई है। आप लोग चाहें तो इसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताना चाहूंगा, कभी भी कई बार क्या होता है, और साथ में आप लोगों का एनडीए का एग्जाम भी आने वाला है, उस बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि नॉर्मली जब हम एए एसएसआर की बात करते हैं नेवी की, तो हम कहीं ना कहीं एनडीए भी दे रहे होते हैं, और एनडीए का एग्जाम अभी 17 नवंबर को है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और सबसे खास बात है कि सारी चीजें बताने के बाद भी कई बार आप कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि प्रॉपर नोटिफिकेशन रीड करना चाहिए। जैसे मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं, उसके नोटिफिकेशन का जैसे मैंने प्रिंट निकाला, बिल्कुल मैं बोलूंगा वैसे अगर हो सके तो प्रिंट निकालिए, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करिए और सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही चेक करिए, अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हमेशा मुझसे पूछते हैं बच्चे कि सर एनडीए में 60% मांगते हैं, जबकि एनडीए में नहीं, अभी मैं बात करूंगा एएएसएसआर, इसमें 60% एग्रीगेट की बात की जाती है, यही कंफ्यूजन वहां जाके होता है। दूसरा, अभी मैंने जब टीएस 43 का नोटिफिकेशन आया था, तो उसके बाद आप में से कई लोगों ने डाउट भेजे थे, मैंने उनके जवाब भी दिए, पर फिर भी बोलना चाहूंगा कि सर मेरे पीसीएम में 70% है, क्या मेरा कॉल आ जाएगा, तर मैं 12th अपेयरिंग हूं, क्या मैं भर सकता हूं। अब देखिए एक चीज समझिए, जब टीएस की बात की जा रही है और टीएस में 12th के परसेंट देखे जाते हैं, तो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट कैसे भर सकता है? जब आपने एग्जाम ही नहीं दिया और आपके पास 12th का रिजल्ट नहीं है, तो वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती है। 72% है, कॉल आएगा कि नहीं, 70% मिनिमम मांगा है। अब उनके पास जो एप्लीकेशन आएंगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आएगा, पर फिर भी मैंने एक अप्रोक्सीमेट बताया था कि 80% के अगर आसपास आपके पीसीएम में है तो बिल्कुल चांसेस है आ जाए। अब तीसरा एक और क्वेश्चन होता है कि सर क्या एसएसबी हिंदी में भी होता है? मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एसएसबी हिंदी में नहीं होता है। आपका अच्छा कमांड होना चाहिए इंग्लिश पर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, या और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं, पर अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज इंग्लिश की होगी तो भी आप निकाल सकते हैं, अगर आप में बाकी वो सारी क्वालिटी है। तो इसलिए मैं बोलूंगा आपको कि आप सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, हर एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिफेंस में जाने का सोचा है तो फिर आप 100% जा सकते हैं, आपके पास अलग अलग एंट्रीज हो सकती हैं, आप किसी भी एंट्री से जा सकते हैं। सबसे अच्छी एंट्री अगर कोई देखी जाए तो एनडीए और टीएस है 12th के बाद, बट अगर कारण से एज निकल जाती है या किसी कारण से आप एसएसबी में आउट होते हैं, तो भी ऐसे में हमारे पास एक एए और एसएसआर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अच्छी पोस्ट है, अच्छा पैकेज है। ये सारी डिटेल दी है और इसमें जो इन्होंने एज मांगी है वो मांगी है 1 अगस्त 2002, 31 जुलाई 2003, ये दोनों डेट इंक्लूड है। यानी अगर कोई बच्चा 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2003 के बीच में पैदा हुआ, इंक्लूडिंग 1 अगस्त इंक्लूडिंग 31 जुलाई, वो इस एग्जाम को दे सकता है। अब आप फिर क्वेश्चन बोलेंगे कि सर अगर मेरा 1 अगस्त 2003 को वर्ल्ड डे है तो क्या मैं दे सकता हूं? मैं बोलूंगा नहीं दे सकते। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 1 अगस्त के पहले मान लीजिए 30 जुलाई को मेरा वर्ल्ड डे है तो क्या मैं दे सकता हूं 2000 को? नहीं दे सकते। इस डेट से लेके इस डेट तक के बच्चे अपेयर हो सकते हैं इंक्लूडिंग दिस डेट। पहली चीज, ये पूरा नोटिफिकेशन में एक एक चीज दी है। अब जैसे मैं बात करूं कि ए में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है और मैं आपको इसलिए ये इंफॉर्मेशन लेके पढ़ रहा हूं, क्वालिफाइड 10+2 एग्जामिनेशन विथ 60% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट विथ मैथ्स फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट। मैथ्स और फिजिक्स यहां पर कंपल्सरी है, यानी वैसे भी नेवी में और एयरफोर्स में आर्ट्स वाले स्टूडेंट अपेयर नहीं हो सकते, साइंस वाले होते हैं और उसमें मैथ्स और फिजिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहां पर मांगते हैं 60%, और कई बार हम एनडीए में ये चीज लगा लेते हैं, एनडीए में 60% नहीं मांगा जाता, उसका अलग कंसेप्ट है, उसमें 12% नहीं देखते, 12th पास देखते हैं, पर रिटर्न और एसएसबी के ओवरऑल स्कोर से सिलेक्शन होता है। अब बात की जाए कि दो सब्जेक्ट तो हो गए मैथ्स और फिजिक्स, फिर एक जो सब्जेक्ट है वो हो सकता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक, राइट? फिर सुनिएगा, सबसे पहले एए के लिए क्वालिफिकेशन है 60% इन 12th, फिर मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है, तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है और कंप्यूटर साइंस हो सकता है, राइट? अब बात करते हैं इसके बाद एसएसआर की। तो जब मैं बात करता हूं एसएसआर की,
तो SSR के लिए 10+2 एग्जामिनेशन बोला है, इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, राइट आप इस बात को ध्यान से सुनिए, क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन विद मैथ्स एंड फिजिक्स एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैथ्स एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, वही केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर साइंस, सेम कंसेप्ट है, एज मैंने आपको बता दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाहूंगा, इसका एग्जामिनेशन फॉर्म 8 से 18 नवंबर तक भरा जाएगा। अब अगर आप सपोज एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो एनडीए का एग्जाम 17 नवंबर को, या तो आप लोग एक दो दिन में फॉर्म भर दें, या मैं बोलूंगा कि आपके पास 18 नवंबर तक टाइम है, 17 नवंबर को पेपर देने के बाद 17 नवंबर की इवनिंग में या 18 के दिन में आप फॉर्म फिल कर दें, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होना है, क्या प्रॉब्लम है? या तो तुरंत भर दें, मतलब 8 तारीख को ओपन है 8 या 9 को, या फिर 18 को, 13, 14, 15 के बीच में ना करें, अभी अपना फोकस एनडीए पर रखें। अभी मैं आपके साथ क्विक रिविजन क्लास ले रहा हूं, ये बहुत हेल्प करेंगे आपके स्कोर बढ़ाने में, आपने पूरा कोर्स क्योंकि पढ़ा हुआ अच्छे से, ये जो मैं आपके साथ पेपर टेक्निक्स क्वेश्चन सॉल्विंग ये सब लेने का पर्पस वही है, तो ये भी एक एग्जाम है जिसको मैं कहूंगा कि देना चाहिए। अब इसकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो फेब में होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपको डेट दी जाएगी जो भी दिन आपको मिले, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट एक दिन में नहीं होता, अलग अलग दिन होता है, इसलिए वो डेट नहीं देते। फेब में आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस दिन एग्जाम देना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आपको रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकालना है, 100 क्वेश्चंस का पेपर आता है, 1 मार्क्स राइट के होते हैं, 0.25 नेगेटिव के होते हैं, इस पेपर का हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, पेपर में क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज, मतलब एक्यूरेट देखें तो जो एनडीए में पढ़ा है वही होते हैं, पेपर जो है वो 10+2 लेवल का होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी तो joinindiannavy.gov.in पर जाके ही देखिएगा। अब इस पेपर के लिए एक अच्छी बात होती है कि SSB जैसा कुछ टफ टेस्ट नहीं होता, एक जो होता है PFT होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें कि आपसे 10 पुशअप लगवाएंगे, मतलब 10 पुशअप लगवाएंगे तो आप 20-30 की प्रैक्टिस करिए, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी है, 6 मिनट में आप उसको और जल्दी करिए, बिल्कुल एक एक चीज उन्होंने मेंशन करी है कि कब क्या क्या करना है आपको, तो आपको केवल इतना सा काम करना है कि 1.6 किलोमीटर का रन करना 7 मिनट में, आप आदत डालिए 2 किलोमीटर 5 मिनट में, अपने आप प्रॉब्लम 20 स्क्वाट्स मारना है, 10 पुशअप लेनी है, यानी ये बेसिक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। तो इसको अगर आपने इसका रिटर्न निकाल लिया तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसका फिजिकल टेस्ट इजीली निकाल लिया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होता, 90% चांस होते हैं रिटर्न निकल गया तो आपका फिजिकल अगर आप पूरी तरह से फिट है तो आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि एनडीए के साथ साथ ये एग्जाम भरना चाहिए, एक अच्छी आपको जगह जाने को मिलेगा अगर आप नेवी आपका इंटरेस्ट है, और AA में 60% मांगेंगे, SSR में परसेंटेज नहीं है, फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, बाकी बायो केमिस्ट्री या आपका कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। पूरी इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए, अभी अपना फोकस पूरी तरह से एनडीए पे रखिए, कहीं कंफ्यूज मत होइए, एनडीए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप पहले रिटर्न निकालिए, फिर SSB के लिए क्या करना है वो बताऊंगा। अभी मेरे सेशन कंप्लीटली रेगुलर मिलते रहेंगे आपको, बहुत पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए और अपने आप को 100% देने की कोशिश करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और फिर बोलूंगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी पढ़े बिना कभी भी फॉर्म फिल नहीं करना है, तो पहले एक बार अच्छे से फॉर्म को, मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रीड करिएगा, उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करिए। सजेशन ये है तो तुरंत भरें या फिर 17 को पेपर देने के बाद करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।